Hey guys, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम पर न्यू ट्रेंडिंग जो वीडियो चल रही है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने इंस्टाग्राम पर ये रील्स बनानी है, ये सन रील्स इफेक्ट वाली रील्स क्रिएट करनी है बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत इजी मेथड से, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैंने आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से बताया कि आप कैसे अपनी इस रील्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये रील्स इंस्टाग्राम पर न्यू ट्रेंडिंग पर चल रही है, तो अगर आप भी इस रील्स को बनाते हैं तो अपनी आपकी रील्स भी ट्रेंडिंग पर जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी करे हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आपको यहाँ पर इस वीडियो की एडिटिंग करने के लिए इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है प्रीक्वेल। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आपको इस वीडियो को सिंपल तरीके से क्रिएट करा सकती है। अब मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कराया तो यहाँ पर यह इंटरफेस आ चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो चुकी है। फ्रेंड्स, जब आप अपनी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़े ओलो के और कंटिन्यू के ऑप्शन आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर उन ऑप्शंस को ओलो और कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी एक वीडियो को चूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ से एक वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ। मैंने ये वीडियो किसी की इसमें अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखी है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर इसकी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ साफ आए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको करना है, आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके यहाँ आप यहाँ से इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेना। अगर आपकी भी एडजस्टमेंट ठीक है तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देना। तो मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट ठीक कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट ठीक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको करना है, अब यहाँ पर आपको सिंपली टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको फिर से टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर फिल्टर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप जो अपनी इस वीडियो पर फिल्टर लगाना चाहते हैं आप वैसे वो फिल्टर लगा देता। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के एक फिल्टर लगा के दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये फिल्टर लगाया है तो यहाँ से मेरी वीडियो ऐसी हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको नॉन फिल्टर पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर इस पर नॉन पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा सारे फिल्टर्स हट जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, जब आप अपनी वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो स्काई वाले पोजीशन है तो आपको यहाँ पर स्काई की पोजीशन ज़्यादा लेनी है और मतलब जमीन की साइड में कम लेनी है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस वीडियो में ज़्यादातर स्काई दिखा तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको करना है, अब यहाँ पर आपको फिर से एडजस्ट बैंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको लास्ट में स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अगर आप इस साइड में इसको करते हैं तो यहाँ पर आपकी जूम होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर इस साइड करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इस साइड करा तो यहाँ पर मेरा ये ऐसा हो गया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको फिर से टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से टैप करना है और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको एक सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है इफेक्ट्स वाला। आपको यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पर नीचे दिख रहे होंगे ट्रेंड्स न्यू Y2K, तो आपको यहाँ पर इस पर टैप करना है और यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिकल, तो आप यहाँ पर ऑप्टिकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्टिकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिल्टर्स पर थोड़ा स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर फिल्टर्स को स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर ये फिल्टर्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये दो फिल्टर्स मिलते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दो फिल्टर मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले फिल्टर को लगाता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अब यहाँ पर मेरा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लग चुका है। फ्रेंड्स, ये फिल्टर भी वही है बट फ्रेंड्स ये फिल्टर ब्लैक एंड व्हाइट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर इसकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। वो आपको यहाँ पर इस फिल्टर पर फिर से टैप करना है और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसा करना चाहते हैं इसको ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्काई वाला ही फिल्टर लगाना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस वाले फिल्टर पर क्लिक कर देना है। इस फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर स्काई वाले फिल्टर से ही लग चुका है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको करना है, अगर आप यहाँ पर इसको जैसा करना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं और आपको इसकी एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पर फिर से इस पर टैप करना है और टैप करने के बाद आप यहाँ से इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में थोड़ा स्काई फिल्टर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इस फिल्टर में इस वीडियो में थोड़ा पत्थर वगैरह ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आपकी वीडियो होगी तो आपको यहाँ पर अपने ठीक लोकेशन पर वीडियो बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ तो ऐसा ही हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट वाला फिल्टर चूज़ कर रहा हूँ और चूज़ करने के बाद इसकी ठीक से और एडिटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी ठीक से एडिटिंग कर ली है। अब यहाँ पर कोई भी
प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फिल्टर्स, एडजस्टमेंट, वॉल्यूम, कैनवर्ट, ट्रिम। फ्रेंड्स आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, ट्रिम यानी कि वीडियो काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर सिंपल तरीके से विदाउट किसी प्रॉब्लम के आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको इसको सेव करने के लिए सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपकी ये गैलरी में सेव हो जाएगी। देखा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कितनी इजीली अपनी रील्स क्रिएट कर लिए। फ्रेंड्स अगर आपको भी कोई भी न्यू ट्रेंडिंग रील्स क्रिएट करनी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देना, तो मैं उस वे कमेंट पर आपकी वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।